कोई कहता है दबंग खान, तो कोई कहता है उसे बॉलीवुड का सुल्तान, कोई कहता है खिलाड़ी कुमार, तो कोई कहता है एक्शन स्टार। दरअसल हम जिन दो सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान और अक्षय कुमार हैं। वैसे तो ये दोनों ही आज किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इन दोनों स्टार्स के बगैर बॉलीवुड अधूरा है। 90s के हैं ये एक्टर्स, अभी बॉलीवुड में अपनी धाक जमा कर बैठे हैं। इतना ही नहीं, सलमान और अक्षय दोनों की ही फिल्में जब जब बॉक्स ऑफिस पर आती हैं तो कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेती हैं। इनका स्टारडम इतना ज्यादा है कि जहां जाते हैं लोगों की लाइन लग जाती है। दोनों को लेकर आलम तो ये है जनाब कि ये भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में भी सबसे ऊपर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सलमान और अक्षय में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर? नहीं ना, तो चलिए आज हम इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको सुल्तान और खिलाड़ी में से कौन है रिचेस्ट एक्टर। अक्षय कुमार प्रॉपर्टीज। मुंबई के जुहू बीच पर अक्षय कुमार 80 करोड़ रुपए के प्राइम बीच बंगले में रहते हैं। ये बहुमंजिला घर अक्षय कुमार का पसंदीदा है। इस बंगले से समंदर दिखता है। इसका पूरा इंटीरियर अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना ने तैयार किया है। अक्षय के पास बांद्रा की नई लिंक रोड पर मौजूद ट्रांसकन ट्रिम्प में 4 फ्लैट्स भी हैं, जो कि 2200 स्क्वायर फीट के हैं। खिलाड़ी कुमार के इन चारों फ्लैट्स की कीमत लगभग 18 करोड़ रुपए है। जुहू में समुद्र के सामने वाले डुप्लेक्स अपार्टमेंट में रहने वाले अक्षय कुमार के पास लोखंडवाला में एक फ्लैट और बांद्रा में एक डुप्लेक्स है, और उनके पास गोवा के अंजुना में कासा डे सोल में एक पुर्तगाली शैली का विला भी है जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। अक्षय के लिए कनाडा बहुत ही स्पेशल प्लेस है क्योंकि उनकी नागरिकता भी वहीं की है। ऐसे में वहां उनकी प्रॉपर्टी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कनाडा में उन्होंने कुछ अपार्टमेंटों के अलावा टोरंटो में एक पूरी पहाड़ी खरीदी है। अक्षय मॉरिशस बीच पर एक बंगले के मालिक भी हैं। खबरों की माने तो इसकी कीमत करोड़ों में है। इतना ही नहीं, उनके पास दुबई में भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। सलमान खान प्रॉपर्टीज। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले तो उनके 40 साल से भी ज्यादा पुराने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बात करते हैं। इस अपार्टमेंट की कीमत 30 करोड़ रुपए है। वहीं हम पनवेल फार्म हाउस को कैसे भूल सकते हैं। इस फार्म हाउस का नाम अर्पिता फार्म्स है, जो उनकी छोटी बहन के नाम पर है। लगभग 150 एकड़ में यह फैला हुआ है। पनवेल स्थित सलमान का फार्म हाउस पार्टियां और अन्य सोशल इवेंट्स के लिए अक्सर चर्चाओं में रहता है। सलमान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान के कुछ सीन्स भी यहां शूट हुए हैं। सुल्तान के लिए ट्रेनिंग उन्होंने इसी जगह की थी। सलमान के इस फार्म हाउस की कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए है। वहीं गोराई बीच हॉलिडे होम एक और रियल स्टेट प्रॉपर्टी जिसकी कीमत है लगभग 100 करोड़ रुपए। ये प्रॉपर्टी गोराई बीच सलसेट मुंबई में है। इस प्रॉपर्टी में स्विमिंग पूल, एक मिनी थिएटर और एक जिम भी है। उनकी प्रॉपर्टीज यहीं खत्म नहीं होती है। उनके पास बांद्रा में ट्रिप्लेक्स अपार्टमेंट भी है जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है। साथ ही उन्होंने दुबई में बुर्ज पैसिफिक में एक अपार्टमेंट लिया है जो कि करोड़ों का है। अक्षय कुमार कार्स एंड बाइक कलेक्शन। कार्स एंड बाइक प्राइवेट जेट प्राइस। नंबर 1 हार्ले डेविडसन वी रोड 20 लाख। नंबर 2 यामाहा वी मैक्स 25 लाख। नंबर 3 होंडा सीआरवी 22 लाख। नंबर 4 मर्सिडीज बेंज जी क्लास 90 लाख। नंबर 5 पोर्श कैनी 1.2 करोड़। नंबर 6 रेंज रोवर वोक 2.5 करोड़। नंबर 7 बेंटली कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर 3.2 करोड़। नंबर 8 रोल्स रॉयस फैंटम 3.34 करोड़। नंबर 9 प्राइवेट जेट 260 करोड़। सलमान खान कार्स एंड बाइक कलेक्शन। नंबर 1 मर्सिडीज बेंज एस क्लास 82 लाख। नंबर 2 मर्सिडीज बेंज जीएल क्लास 80 लाख। नंबर 3 लेक्सस एलएक्स 470 2.32 करोड़। नंबर 4 बीएमडब्ल्यू X6 1.15 करोड़। नंबर 5 ऑडी RS7 1.4 करोड़। नंबर 6 टोयोटा लैंड क्रूजर 1.29 करोड़। नंबर 7 ऑडी R8
2.21 करोड़। बाइक्स, नंबर वन सुजुकी हायबुसा 15 लाख, नंबर टू यामाहा R1 15.6 लाख, नंबर थ्री सुजुकी GSX R1 000Z 16 लाख, नंबर फोर सुजुकी इंट्रूडर M1 800 RZ 16 लाख। वहीं इसके अलावा 2016 में सलमान ने अपने ही बर्थडे पर खुद को एक प्राइवेट लग्जरी याच गिफ्ट में दी थी। करोड़ों की इस सेल बोट को उन्होंने अपनी पुरानी याच से रिप्लेस कर दिया था। ब्रांड एंडोर्समेंट, अक्षय कुमार के स्टारडम का ही कमाल है कि उनकी ब्रांड वैल्यू आज के टाइम में सबसे ज्यादा है। यूं कहे कि उन्होंने खान्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। अक्षय कुमार ने 100 करोड़ रुपए के एंडोर्समेंट डील के साथ 2018 में सेलिब्रिटी ब्रांड एंडोर्समेंट में टॉप किया था। इस मामले में खान्स टॉप 5 में भी नहीं थे। सलमान ने सिर्फ 40 करोड़ की एंडोर्समेंट डील की थी। बता दें कि खिलाड़ी कुमार ने डॉलर वेस्ट, टाटा मोटर्स, होंडा, एवरेडी बैटरीज, पीसी ज्वेलर्स, हार्पिक, policybazaar.com और रिवाइटल के अलावा भी वो कई ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं। सलमान ब्रांड एंडोर्समेंट, ये तो हर कोई जानता ही है कि सल्लू कई एड्स का हिस्सा आए दिन बनते रहते हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल्स, रिलैक्सो, भमास, एप्पी फिज, सीपी प्लस, डिक्सी स्कूट जैसे ब्रांड्स को एंडोर्स कर चुके हैं। इन सभी ब्रांड्स की कीमत के बारे में तो कुछ खास नहीं पता चल पाया, लेकिन सलमान खान बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक हैं। जहां एक तरफ सलमान खान एक एड्स के लिए लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, वहीं अक्षय एक एड के लिए लगभग 4 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। फिल्म्स, टीवी एंड अदर्स। फिल्म्स, सलमान खान ने जहां लगभग 109 फिल्मों में काम किया है, वहीं खिलाड़ी कुमार ने लगभग 129 फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा भाईजान की अब तक 14 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा अक्षय की 12 फिल्में 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर चुकी हैं। बात करें एक साल में ये दोनों स्टार्स कितनी फिल्में करते हैं, तो इस मामले में सलमान अक्षय से पीछे हैं। जहां सलमान एक साल में 2 फिल्में करते हैं, वहीं अक्षय एक साल में 4 फिल्में लेकर आते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय एक फिल्म के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए लेते हैं, वहीं सलमान खान को एक फिल्म के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। टीवी, ये दोनों ही स्टार्स बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी काफी पॉपुलर हैं। सलमान खान 10 का दम और बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज के जरिए करोड़ों की कमाई करते हैं। साथ ही वो नच बलिए 9 और द कपिल शर्मा शोज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा सलमान के पास बीइंग ह्यूमन के नाम से एक क्लोथिंग लाइन भी है, जिसकी कमाई का 10-12% वो चैरिटीज में देते हैं। वहीं अक्षय भी खतरों के खिलाड़ी, मास्टर शेफ, डेयर टू डांस और लाफ्टर चैलेंज के जरिए टीवी पर छा चुके हैं, अब करोड़ों की कमाई करते हैं। सलमान खान अपने इस प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स के अंडर कई फिल्म बना चुके हैं। उनके बैनर तले बनी फिल्म बजरंगी भाईजान ने वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके अलावा वो ट्यूबलाइट, रेस 3, लव यात्री और हीरो जैसी फिल्में भी अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए बना चुके हैं। वहीं अक्षय कुमार का भी केप ऑफ गुड फिल्म्स के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस है, जिसके अंडर वो कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। नेटवर्थ, सलमान की नेटवर्थ लगभग 320 मिलियन यानी कि 2200 करोड़ रुपए है। वहीं बात करें अक्षय कुमार की तो उनकी नेटवर्थ लगभग 150 मिलियन यानी कि 1068 करोड़ रुपए है। अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सलमान खान अक्षय कुमार से ज्यादा अमीर एक्टर हैं। वेल, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।